दोबारा बता देता हूँ कि मेरे पास एक लोकेशन है F1 और मैं F1 में कोई डेटा शो करना चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं F1 में टाइप ना करूँ, मैं टाइप A1 में करूँ। जैसे A1 में मैंने मान लीजिए मैं अपना ही नाम सुजीत लिखा, वो मेरा A1 पे शो नहीं होना चाहिए, वो मेरा F1 पे शो होना चाहिए। बट F1 में हमें किसी तरह की टाइपिंग नहीं करनी है, F1 में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट वैल्यू प्रोजेक्ट वहीं पर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इंडेंट इस्तेमाल करते हैं। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ आपको दिख रहा है इंक्रीज इंडेंट, आगे और पीछे करने का दो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। अब इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, कब तक? जब तक कि आपका टेक्स्ट आपके पोजीशन पे पहुँच नहीं जाता है। अब इसकी कलर वाइट जो भी कलर वगैरह फॉर्मेटिंग करनी है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग करनी है, हम यहाँ करेंगे। इसमें इसकी वाइट कलर कर दी, इसकी साइज इंक्रीज कर दी, यहाँ हुआ। अब इससे क्या हुआ कि सामने वाला पर्सन को समझ में आएगा कि वैल्यू यहाँ टाइप कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करेगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पे वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू कहाँ है? वैल्यू यहाँ है, राइट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, तो नेम दिख रहा है, जैसे नेम डिलीट करेगा सुजीत आ जाएगा। तो ये चीजें हम इन नेम के माध्यम से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर।